नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। तो बड़ी खबर मसूरी से, जहां 14 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। हैप्पी वैली के तीन के तिब्बतन होम्स स्कूल में बच्चे संक्रमित, इस वक्त की बड़ी खबर। सभी पॉजिटिव बच्चों को हॉस्टल में शिफ्ट किया गया, बाकी के बच्चों के भी कोरोना टेस्ट होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर मसूरी से, जहां हैप्पी वैली के तिब्बतन होम्स स्कूल में 14 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले, इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना की चपेट में आए 14 बच्चे, सभी पॉजिटिव बच्चों को हॉस्टल में शिफ्ट किया गया, बाकी के बच्चों के भी अब कोरोना टेस्ट होंगे। उत्तराखंड में महामारी कोरोना को देखते हुए सरकार और ज्यादा सचेत हो गई है। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आम हो या खास, सब इसके चपेट में आ रहे हैं, इसीलिए सरकार ने फिर से एसओपी जारी की है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में जानलेवा कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। न केवल मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, बल्कि रिकवरी रेट भी 90% से नीचे पहुंच गया है। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए तीरथ रावत सरकार और सतर्क हो गई है। सरकार ने एक बार फिर से एसओपी जारी की है, जिसमें अब कंटेनमेंट जोन से बाहर विवाह समारोह के लिए सिर्फ 200 लोगों की अनुमति दी गई है, जिसके लिए सभी जिलाधिकारी को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा देहरादून में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। नवरात्र, रमजान और शादी समारोह को ध्यान में रखकर दून में अब रात 10:30 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पूरे प्रदेश भर में निजी और सरकारी लैब में 32,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की गई। इसमें 31,285 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून और हरिद्वार में महामारी बेकाबू हो रही है। अगर पिछले 3 दिन के आंकड़े देखें, तो 12 अप्रैल को 1334 मामले, 11 अप्रैल को 1333 नए केस और 10 अप्रैल को 1233 मामले आए थे। बीते दिनों में 18 लोगों की मौत भी हुई है। उधर नैनीताल हाई कोर्ट को भी महामारी की वजह से 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। 19 अप्रैल से हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। फिलहाल हाई कोर्ट में सैनिटाइजेशन के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। महामारी का कहर इतना जानलेवा है कि आम हो या खास, हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब उनकी पत्नी डॉक्टर दीप्ति बलूनी भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिसके बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीएम तीरथ ने दोनों से फोन पर बात कर हाल भी जाना। हालांकि कुल मिलाकर बात यह है कि हालात पिछले साल से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। कोरोना की चैन बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन के साथ हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, नहीं तो किसी भी स्तर पर चूक हुई तो फिर अंजाम क्या होगा, आप खुद वाकिफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी की गई है। प्रदेश में कोरोना से लेकर हालात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शादी समारोह में अब सिर्फ 200 लोगों को आने की अनुमति होगी। सभी डीएम से इस पर कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में नाइट कर्फ्यू का समय भी बदला गया, तो दून में रात 10:30 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। वहीं कोरोना वायरस महामारी के बीच कुंभ को लेकर सूबे के सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मां गंगा के आशीर्वाद से यहां कोरोना नहीं फैलेगा। सीएम ने कहा कि मरकज से जो कोरोना फैला वो एक बंद कमरे से फैला, क्योंकि वो सभी लोग एक बंद कमरे में रहे, जबकि हरिद्वार में हो रहा कुंभ का क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक है। मतलब एक केवल हॉल के अंदर था, वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिट था, न उधर घूमने की जगह नहीं, इधर पलटने की जगह, वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है,
यहाँ लगभग 16 घाट हैं और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कुंभ को लेकर सुना आपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जवाब। उधर जब कोरोना को लेकर बंशीधर भगत से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि यह आस्था का प्रश्न है, लोग आस्था के हिसाब से कुंभ में आए। क्या है, कैसी कुंभ रहा है और इस कोरोना काल में इतना बड़ा कुंभ, ये तो एक बहुत विशाल कुंभ कहा जाए। देखो ये आस्था का प्रश्न है, लोग आस्था के हिसाब से आए। जो कहा गया था कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, इसका नियमों का पालन करते हुए। उधर पौड़ी में भी कोविड 19 के नियमों का पालन कराने को लेकर खटीमा कोतवाली में पुलिस ने सभी धर्म गुरुओं और पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों ने आम जनता से आने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सबसे पहले जैसे अमन शांति की मीटिंग की परंपरा है थाने में, तो आज खटीमा कोतवाली में आगामी नवरात्रे और जो रमज़ान का त्यौहार आने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में मीटिंग रखी गई थी और विभिन्न धर्मों के लोग को यहाँ आमंत्रित किया गया था, उनसे आगामी त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए और कोविड के नियमों का पालन करते हुए ये त्यौहार मनाने की अपील करी गई। वहीं रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम शंकराचार्य अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर व्याप्त अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही अगले 3 दिन में आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महाकुंभ की। सोमवती अमावस्या के बाद अब कल मेष संक्रांति और बैसाखी का शाही स्नान है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। देखते हैं एक रिपोर्ट। सोमवती अमावस्या के बाद बुधवार यानी 14 अप्रैल को मेष संक्रांति और बैसाखी का शाही स्नान है, जो मेला प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। रविवार को हुए शाही स्नान के बाद फिर से मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। डीजीपी अशोक कुमार ने बैसाखी पर होने वाले शाही स्नान को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी बताई हैं। 14 अप्रैल को महाकुंभ 2021 हरिद्वार का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा शाही स्नान है, जिसको हम पीक डे बोलते हैं किसी भी मेले का। हमारी उत्तराखंड पुलिस की उसके लिए पूरी तैयारियां हैं और जैसा हमने पहले प्रयास किया है कि स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी न हो और बाहर से आने वालों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। कुछ तो असुविधा होगी क्योंकि जब अखाड़ों का एक शाही स्नान होता है उस दिन उनका रूट फिक्स होता है, इसलिए कुछ न कुछ उसके लिए हमें डाइवर्जेंस करने पड़ते हैं, कुछ आवाजाही पे कुछ रोक लगानी पड़ती है, कुछ परेशानियां जरूर होती हैं, किंतु हमारा प्रयास रहा है कि कम से कम परेशानी हो स्थानीय लोगों को भी, बाहर वालों को भी, श्रद्धालुओं को भी। मेष संक्रांति और बैसाखी के शाही स्नान को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने 14 अप्रैल के शाही स्नान को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कल हमारा जो मेन कुंभ स्नान होता है, इनफैक्ट उसका शाही स्नान है, और उसी को लेके हमारी जो तैयारियां हैं मोर और लेस जो 12 को लेके तैयारियां थी वही हैं। इसमें जो शाही स्नान का रूट है उसमें कोई अंतर नहीं है, और जो बाकी व्यवस्थाएं भी शाही रूट पे होती हैं वो भी लगभग वही रहती हैं। सिर्फ इतना है कि 14 को अमूमन जो भीड़ है वो ज़्यादा रहती है, यद्यपि अभी तो बस स्टैंड्स के इंडिकेशन से नहीं लग रहा है कि वो बड़ी है, लेकिन हरिद्वार में भीड़ कब बढ़ जाए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी भीड़ भाड़ हमारी बढ़ जाती है। तो उसको लेके हमारी सारी तैयारियां, जो अखाड़ों वाली तैयारियां थी वो तो कल के जैसी हैं ही, हम और उसमें इम्प्रूव करना चाहेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन शाही स्नान के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई, कई साधु संत पॉजिटिव भी मिले। इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद उन्हें एम्स रेफर किया गया है। लेकिन महाराज जी कोविड पॉजिटिव आए थे ये सब जानते हैं, थोड़ा सा उन्हें तकलीफ हुई थी, तो ऑब्जर्वेशन के लिए एम्स ऋषिकेश को अभी भेजा है।
हालांकि शाही स्नान के लिए हर की पैड़ी पर उमड़ी भीड़ ने कोविड नियमों को तार तार कर दिया, जिसे हम सब ने देखा। जो सामाजिक दूरी जैसे नियम का पालन करा पाना पुलिस के लिए नामुमकिन था। ऐसे में 14 अप्रैल का स्नान भी चुनौती भरा हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा और हरिद्वार से रोहित की रिपोर्ट। सोमवती अमावस्या के बाद अब कल मेष संक्रांति और बैसाखी का शाही स्नान है, जो फिर से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। प्रशासन के इंतजाम क्या हैं? हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एक शाही स्नान कल था और एक कल फिर होगा, और गंगा माँ के जल के आचमन के लिए, यहाँ स्नान करने के लिए, अपनी श्रद्धा रखने के लिए यहाँ लाखों लोग कल भी जुटे थे, कल भी जुटेंगे, और आज फिर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। ये गंगा माँ है और हम हर की पौड़ी पर हैं इस समय। देखिए श्रद्धालुओं में किस तरह से एक गंगा माँ के जल के आचमन को लेकर के एक होड़ मची हुई है, उनके दिल में आस्था है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ किस तरह से श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। चूँकि कल जब शाही स्नान हुआ था तो सभी सामान्य लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए स्नान को प्रतिबंधित कर दिया गया था और केवल अखाड़ों को स्नान कल हो पाया था। तो इसीलिए ये जो आज भीड़ भाड़ और ये जो चहल पहल दिख रही है, तो इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि कल जब शाही स्नान था तो आम श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आए थे और शायद कल भी ना आ पाए। तो इसीलिए अब ये देखा जा रहा है कि आज ये भीड़ जो बढ़ी है, शायद इसका यही कारण है कि कल फिर प्रतिबंधित रहेगा स्नान। तो देखने वाली बात यह है कि कल भी प्रशासन ने दावा किया था कि 25 लाख लोग, प्रशासन ने बताया था 25 लाख लोग कल स्नान कर चुके थे, और प्रशासन का असेसमेंट रात तक चल रहा था। यहाँ पूरी नाकेबंदी भी की गई है, कल फिर ट्रैफिक डाइवर्जन होगा, कल फिर यहाँ पर भारी वाहनों का प्रवेश निषेध होगा, आज ही से होगा, और तैयारियाँ पूरी हैं। लेकिन श्रद्धालुओं के मन में जो श्रद्धा का भाव है, उसे लेकर देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं, और कल फिर एक शाही स्नान हमारे दर्शकों को और हमारे श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए हर की पौड़ी से अजीत सिंह राठी। और आइए सीधा रुख करेंगे हरिद्वार का। हमारी सहयोगी प्राची पाराशर सीधा वहीं से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्राची, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप वहां खुद मौजूद हैं। सोमवती अमावस्या का नजारा हमने देखा, वहां शाही स्नान जो है 31 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है शाही स्नान किया था। अब कल मेष संक्रांति और बैसाखी का शाही स्नान है। प्रशासन के सामने कोरोना काल में इसे संपन्न कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल लवी, जैसा कि आपने कहा कि कल जिस तरीके से भीड़ दूसरे शाही स्नान पर देखने को मिली थी, कुछ ऐसी ही भीड़ कल तीसरे शाही स्नान के मौके पर देखने को मिलेगी, और ये बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है। चूंकि हम भीड़ का जिक्र कर रहे हैं तो अपने कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त भी हर की पैड़ी पर भारी संख्या में भीड़ मौजूद है। हालांकि अभी तो गंगा आरती का वक्त हो रहा है, इसीलिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं हर की पैड़ी पर और गंगा आरती का साक्षी बनने के लिए वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं। बहरहाल चुनौतियों की अगर बात कर लें तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए लवी कि आज हरिद्वार में 594 यानी लगभग 600 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं आज सामने, जो प्रशासन की जरूर चिंता बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही साथ जो साधु संत वहां पर जुटे हुए हैं, जो साधु संत अखाड़ों में मौजूद हैं, उनमें से भी 15 से 16 साधु संतों की जो रिपोर्ट है कोरोना की, वो पॉजिटिव आ चुकी है, और अभी कई साधु संतों की रिपोर्ट आना बाकी है, जो अपने आप में बहुत सारी आशंकाओं को जन्म देता है। तो इसी लिहाज से प्रशासन को अभी और सख्ती करने की जरूरत है कहीं ना कहीं लवी, क्योंकि अभी हमें सख्ती नजर नहीं आ रही है। देखिए जैसा हम कह रहे हैं कि प्रशासन ने कोशिश की है, लेकिन वो जो कोशिश है किस हद तक सही साबित हो रही है, किस हद तक कारगर साबित हो रही है, ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं, और ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अभी जो आप देख पा रहे होंगे हर की पैड़ी की तस्वीर, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं, और ये जो हर की पैड़ी है इस वक्त
वक्त खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ से भरी हुई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद गंगा आरती शुरू होने वाली है। इसीलिए कल के शाही स्नान में भीड़ को मैनेज करना, कोरोना की SOPs का पालन करवाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है लवी, क्योंकि भीड़ भारी संख्या में पहुंच रही है और लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करना, लोगों पर सख्ती करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है ऐसे वक्त में जब कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना की बढ़ती रफ्तार कहीं ना कहीं डरा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं हमें लवी कहीं ना कहीं जब हम यहाँ से होकर गुजरते हैं, तो जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है या फिर डर की वजह से मास्क लगा भी रहे हैं तो उन्हें सही तरीका मास्क लगाने का नहीं पता है कि मास्क कैसे लगाना है और कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और जैसे ही पुलिस प्रशासन हटता है, जैसे ही वो उस जगह को क्रॉस कर जाते हैं, वो फिर से मास्क को उतार कर अपनी जेब में रख लेते हैं, जो कहीं ना कहीं भयावह हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसे बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है लवी। इसके अलावा जैसा कि आपने भीड़ में देखा जी कि भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और कल के शाही स्नान की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं लवी, और जो शेड्यूल है अखाड़ों का कि कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा वो भी अब सामने आ चुका है। दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इस बार भी सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा ही स्नान करेगा, शाही स्नान करेगा, और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। जो टाइमिंग है वो भी लगभग वही रखी गई है जो कल की टाइमिंग थी, यानी 8:25 पर, यानी तकरीबन 8:30 के करीब जो निरंजनी अखाड़ा है वो अपनी छावनी से निकलेगा और वो भव्य शोभा यात्रा जो है वो लगभग 10:15 तक हर की पैड़ी पर पहुंचेगी और यहाँ पर स्नान करवाया जाएगा। तो एक तरफ साधु संतों में कोरोना फैल रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, दोहरी चुनौती है, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों से हमने अभी तक बात की है, चूंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो खुद ये मानते हैं कि देखिए कुंभ का मैनेजमेंट खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच जब हम ये करा रहे हैं तो ये दोहरी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और जैसा कि लवी आप खुद बता रहे थे अब से कुछ देर पहले कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि गंगा में स्नान कर लें तो कोरोना नहीं होगा। देखिए इन सब चीजों को आस्था पर नहीं छोड़ा जा सकता, श्रद्धा पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये समझना होगा कि महामारी को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर प्रशासन को सख्ती बरतनी ही होगी लवी, क्योंकि लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और जैसा हम आज दिन भर ये देख पा रहे हैं कि कल लवी जो भीड़ थी वो फिर भी कम थी, आज लवी जो भीड़ है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। आज भारी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लवी वो पहुंच रहे हैं और भीड़ जो बढ़ रही है साथ ही साथ कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन को यहाँ पर सख्ती करनी होगी ताकि कुंभ को कोरोना मुक्त किया जा सके। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात कर लूं मैं तो उत्तराखंड में टोटल जो केसेस हैं अभी तक 1925 केस हैं लवी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राची इन तस्वीरों को और इस पूरी जानकारी के लिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये थी सहयोगी प्राची जो बता रही थी कि बेहद स्थिति जो है चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के सामने, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। अद्भुत नजारा था लेकिन गंगा आरती से पहले हम देख रहे थे कि काफी भीड़ है और वहां लोग आसपास एक दूसरे के से सट के बैठे हुए हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना प्रशासन के लिए इतनी भीड़ में बहुत बड़ी चुनौती होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ, एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना के 1925 नए मामले, इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना से 13 लोगों की मौत, कोरोना के कुल एक्टिव केस 9,353। तो ये ताजा आंकड़ा आया कोरोना का उत्तराखंड से, इस वक्त की बड़ी खबर। 9,353 एक्टिव केस हो गए हैं उत्तराखंड में, इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई है और 1,925 नए मामले, जिसमें मसूरी में भी 14 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकले। देहरादून में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर पर विधानसभा की अर्धवार्षिक पत्रिका उद्भव का विमोचन कार्यक्रम हुआ और दीप प्रज्वलित कर राज्यपाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं चैत्र नवरात्र के पहले दिन देहरादून में कोरोना के चलते मंदिरों में सन्नाटा पसरा दिखा। कोरोना की वजह से मंदिर खाली दिखाई दिए, लोग घरों में ही लोगों ने पूजा की।
मंदिरों के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर इक्का दुक्का ही श्रद्धालु इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने का काम कर रही है। खबर है कि कर्नल अजय कोठियाल जल्द ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के अनुसार कर्नल अजय कोठियाल पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं और 18 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इस बीच उत्तराखंड में आग की खबर, आग से हाहाकार मचा, जंगलों में लगी आग से लगातार वन संपदा खाक होती जा रही है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पिथौरागढ़ की एक खबर आपको बताएं, जहां गंगोली हाट तहसील के तामानौली में जंगल धधक रहे हैं और अब ये आग तामानौली तक राजकीय इंटर कॉलेज के पास पहुंच गई। लगातार आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। उधर नैनीताल में दक्षिण मुखी पहाड़ी की चोटी पर बसे बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल के ठीक पीछे की पहाड़ी पर आग लगी। रात को आग लगने से मजार के आसपास के जंगल जल गए। जंगल तक पहुंचने के लिए मोटर मार्ग नहीं होने से दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।